Assalamu alaikum dear students, I am your teacher Arif Rafiq and I am going to teach you short questions of chapter number 3 and six, question number 6 to 10. Question number 6 is indicate any two ways of saving water from pollution. Yani pani ko aludgi se bachane ke do tarike bayan kare aur iska answer jo hai look at page 87. Here it starts from here. To prevent water contamination यानी पानी की आलूदगी से बचाने के लिए the waste water from the factories यानी जो फैक्ट्रियों का जो आलूदा पानी है should be cleaned, इसको साफ़ करना चाहिए and filtration और इसका फिल्टर कर प्लांट लगाने चाहिए and then discharge it into the rivers of कैनाल्स और फिर इसको जो है दरियाओं में या नहरों में जो है इसको छोड़ना चाहिए. ये नंबर वन हो गया. और नंबर टू जो है वो यहाँ से है टॉक्सिक केमिकल. टॉक्सिक केमिकल कहते हैं जहरीले जो कीमियाई मादे हैं एंड यहाँ से द यूज़ ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड्स यानी जो मुख्तलिफ किस्म के हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं एंड केमिकल फर्टिलाइज़र और जो कीमियाई खादें हैं इट शुड बी प्रिवेंटेड फ्राम एंट्रिंग रिवर्स एंड सी. ये टू आपके जो है ना वेज हो गए हैं टू प्रिवेंट वाटर फ्राम द पोल्यूशन. नाउ लुक एट पेज 93 फॉर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट इज डिफाइन द टर्म डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन क्या होता है यानी इसको सहरा जदगी कहते हैं यानी डेजर्ट से डेजर्ट कहते हैं सहरा को. तो इसका आंसर जो है पेज 88 पर देखें. यहाँ से इसका जैसे ये हेडिंग दिया हुआ डेजर्टिफिकेशन तो इसका यहाँ से आंसर शुरू होता है शॉर्ट कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ग्रेजिंग ऑफ कैटल यानी इंसानी जो सरगर्मियाँ हैं मुख्तलिफ काम जैसे ग्रेजिंग ऑफ कैटल यानी जो मवेशी चारा खाते हैं एंड कटिंग ऑफ ट्रीज़ दरख्तों को काटना फ्राम फॉरेस्ट जंगलात से एंड ग्रोइंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली और बार बार वही फसल जो है उगाना इन द सॉइल उस ज़मीन पे ऑल टुगेदर मेक द लैंड बैरन. तो इस ये सारे जो मामलात हैं ये ज़मीन को बंजर कर देते हैं एंड इनफर्टाइल और ज़रखेज़ के काबिल रहती ज़मीन एंड अनकल्टिवेबल और यहाँ पे हम जो है फिर कुछ ज़रखेज़ काश्त नहीं कर सकते. ऑल दिस प्रोसेस ये सारा जो अमल है ऑफ डीफेसिंग द लैंड ज़मीन को जो है उसकी शक्ल बिगाड़ने का इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. इसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं या सहरा जदगी जिसे हम यानी सहरा. अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फिर 93 पेज पे एक्सरसाइज पे देखें. नेम द टाइप्स ऑफ कैनाल्स इन पाकिस्तान यानी जो नहरें हैं उनकी किस्में के नाम बताने हैं आपने और इसका आंसर जो है वो पेज 76-77 पर है. लुक एट पेज 76 एंड 77. ये लास्ट लाइन से शुरू होगा. देर आर फोर टाइप्स ऑफ कैनाल्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में चार किस्म की नहरें पाई जाती हैं कैनाल और इसके नेम्स आपने बताने हैं सिर्फ. ये नंबर वन फ्लड कैनाल यानी जो सराब को नहरें सराबी नहरें जो हैं. नंबर टू पेरेंटियल कैनाल्स. पेरेंटियल कैनाल जो हैं पेरेंटियल कैसे कहते हैं जिसमें जो है ज़्यादा देर तक जो है वो रहें उनको कहते हैं पेरेंटियल कैनाल्स. और उसके बाद नंबर थ्री नॉन पेरेंटियल कैनाल्स और उसके बाद नंबर फोर जो है लिंक कैनाल्स. ये चार नेम सिर्फ आपने इसके लिखने हैं. एंड नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट एक्सरसाइज पेज 93. क्वेश्चन नंबर 8 नेम द टाइप्स ये तो हो गया. क्वेश्चन नंबर 9
what kind of climate changes occurring due to राइजिंग अर्थ टेम्परेचर, यानी जो दर्जा ज़मीन का बढ़ने से क्या क्या जो है वो आबहवा में उसकी तब्दीलियाँ आती हैं उसको बयान करें। इसके लिए जो है आप पेज 86 पे देखें। पेज 86 में ये जो एयर पोल्यूशन है यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, और ये मैंने आपके लिए एक लिखा है, ये इस पे भी आप देखें ज़रा कि राइजिंग ग्राउंड टेम्परेचर यानी जब दर्जा ज़मीन का बढ़ता है तो आर काजिंग मैनी क्लाइमेट चेंजेस, इससे बहुत सी आबहवा में तब्दीलियाँ, सच एज डिक्रीज आर इंक्रीज इन रेनफॉल यानी बारिश का बढ़ना ज़्यादा होना या कम होना, फ्लड्स एंड चेंजेस इन टाइमिंग्स ऑफ रेन यानी बारिश के जो औकात हैं उसमें जो तब्दीलियां हैं, और ये जो सैलाब आ जाता है बारिश की वजह से, विच आर अफेक्टिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर यानी जो हमारे ज़राइत का शोबा है उस पर भी ये असरअंदाज हो रहा है। यहाँ तक इसका आंसर है। राइट डाउन टू डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी जो जंगलात के कटाव है उसके बारे में जो दो नुकसान आते हैं वो आप लिखें डिसएडवांटेज। तो इसके लिए आप देखें पेज 88 पर, ये यहाँ से शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 8-10। वी शुड स्ट्राइव नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग ट्रीज यानी हमें ना सिर्फ के इस जो पहले से दरख्त मौजूद हैं उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, बट आल्सो टू प्लांट मोर ट्री फॉरेस्ट यानी हमें और जंगलात और दरख्त भी जो है वो लगाने चाहिए, सो डैट ताकि वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट, हम आप अपने माहौल को बचा सकें फ्राम क्लाइमेट चेंज आप यानी जो आबहवा की तब्दीली है, और डिफॉरेस्टेशन इज़ आल्सो चेंजिंग वाइल्ड लाइफ यानी जो डैमेजिंग जो है वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली ज़िंदगी है उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। तो यहाँ तक इसका आंसर आपने इसका लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 के। तो ये 6 to 10 क्वेश्चन जो हैं आपने अच्छी तरह से ये और बाय लर्न बाय हार्ट दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।